राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भगवान गणेश की मूर्ति स्मृति चिन्ह के तौर पर मीनाकारी शिल्प वाली शॉल भी भेजी। सीट शेयरिंग को लेकर आज से कांग्रेस गठबंधन समिति की सहयोगी दलों के साथ चर्चा, बिहार से होगी शुरुआत। आज कांग्रेस आरजेडी के नेता बैठक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज, आज से चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में रहेगी ईडी की टीम। सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, सूर्य के उत्तरायण आते ही जाएंगे इंडिया गठबंधन के फैसले सामने आ जाएंगे। एसपी अन्य दलों के साथ लेकर बहुत जल्द फैसला भी होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज करते हुए प्रचार समिति का गठन किया। पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन समिति के संयोजक बनाए गए। महासचिव जयराम रमेश, के सी वेणुगोपाल भी समिति के सदस्य। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद कौन लेगा उनकी गारंटी। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी। बंगाल में ही छिपे हैं शाहजहां शेख और उनका परिवार। ईडी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है। टीएमसी और आरजेडी में कोई अंतर नहीं है। महादेव ऐप मामले पर ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा, पूर्व सीएम को समन जारी कर भी बुलाया जा सकता है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरे नाम का उल्लेख, राजनीतिक साजिश। मैंने मुख्यमंत्री रहते शुरू कराई थी जांच। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने झारखंड में 3 लोगों को समन भेजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोगों को तलब। तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 2024 के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का महाप्लान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। रघुनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। ओडिशा के कटक पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। थमलेश्वर मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरुआत की। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर की खास तैयारी। 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए तैयार करेंगे 7000 किलो राम हलवा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले युवाओं में श्री राम के टैटू का क्रेज। टैटू बनवाने वाले राम भक्त प्रतीक फ्री में 22 जनवरी तक बनाएंगे टैटू। आगरा के सर्राफा बाजार में भी बनी अयोध्या में विराजमान होने वाली माता जानकी की पायल। आगरा सर्राफा एसोसिएशन ने 151 ग्राम चांदी की पायल तैयार कराई। नेपाल के जनकपुर धाम पहुंची अयोध्या यात्रा। यात्रा अयोध्या पहुंचने पर चंपत राय का बयान, त्रेता युग से चले आ रहे नेपाल भारत के रिश्ते, यात्रा श्री राम के लिए उपहार। बिहार के मिथिला से पाहुर लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखा उत्साह। अयोध्या में भव्य स्वागत। 22 जनवरी को है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। बेटे श्रीकांत शिंदे ने सौंपा 11 करोड़ का चेक। श्रीकांत शिंदे अन्य मंत्रियों के साथ पहुंचे थे अयोध्या। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को नसीहत दी। कहा, 20 से 26 जनवरी तक घर में रहे मुसलमान। अजमल ने बीजेपी को मुसलमान विरोधी बताया। अजमल के बयान पर बोले मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी मुसलमानों से नहीं करती नफरत। इकबाल अंसारी को मिला है राम मंदिर का न्योता। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 मिली, बाकियों की तलाश जारी। अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था बालिका गृह। पूर्व CDPO और सुपरवाइजर सस्पेंड।